तो गाइस आ चुके हैं हमारे गर्मा गर्म छोले। तो मैं एक और बाइट ले रहा हूँ इसकी अभी। देखिए गाइस श्रुति कैसे एंजॉय कर रही है। श्रुति हेलो फूडी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जोड़ी हो तो फूडी। तो आज है बहुत ही स्पेशल दिन क्योंकि आज है हमारी फोर्थ वेडिंग एनिवर्सरी। हम बहुत खुश है एंड आज हमने सोचा क्यों ना कुछ खाने में अलग सा ट्राई किया जाए। तो आज हमने ढूंढा है दिल्ली में बिहार का टेस्ट। हम बिहार का आपको स्वाद चखाने वाले है इस वीडियो में। तो चलिए देखते है की हम कहाँ आए है और हम यहाँ पे क्या क्या खाने वाले है। बिहार का खाना कभी आज तक ट्राई नहीं किया है, ना ही कभी उसका टेस्ट मैंने लिया है। तो गाइस हम आ चुके हैं मीट भात रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर बहुत ही बिहार के ऑथेंटिक डिशेज मिलते हैं। चंपारण मीट मिलता है, चंपारण चिकन मिलता है, चंपारण फिश मिलती है, बहुत सारे मतलब बिहार का ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पर। तो देखते हैं जैसे इनका नाम है क्या इनका काम भी वैसा ही है, बिहार का ऑथेंटिक टेस्ट हमें मिलता है या नहीं मिलता है। इससे पहले तो हम लोगों ने कभी खाया ही नहीं है बिहारी खाना, तो आज हम पहली बार ट्राई करने वाले हैं और दिल्ली में इसका जायका मिलने वाला है तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप जानते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। इसकी लोकेशन जो है ये लक्ष्मी नगर मेट्रो के जस्ट बाजू में ही है, मतलब जैसे ही सामने उतरोगे वैसे आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं यहाँ पे इनके मैनेजर से। हाँ जी, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीना मैम। ओके, तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो कब से यहाँ पर खुला हुआ है? मैम हमें अभी 2 मंथ हो गए हैं, पूरे 2 मंथ हो गए। हाँ जी, और आपकी लोकेशन थोड़ा बता देंगे? हमारी लोकेशन है मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर, आपका गेट नंबर 5 के पास। जैसे आप उतरेंगे तो उसके जस्ट सामने। ओके, एंड आपके जो रेस्टोरेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा बताएंगे? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम बिहार का टेस्ट देना चाहते हैं दिल्ली में। जब लेके भी आए हैं आप एक बार टेस्ट भी करिए, हम आपको बताते हैं क्या है हमारे यहाँ का फेमस। हमारे यहाँ पे है हांडी मटन, जो कि आपने कभी बार सुना भी होगा चंपारण मीट के नाम से। जी जी, तो हम आपको टेस्ट देना चाहते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई आता है तो उसको अगर बिहार का कुछ खाना खाना है स्पेशल, तो उसको कौन सी डिश मस्ट ट्राई है यहाँ पे आके? हांडी मटन और मटन स्टू। मटन स्टू, ओके। और आपके यहाँ पे खाने के अलावा और क्या चीजें मिलती है? वेज भी है हमारे पास, नॉन वेज भी है, स्टार्टर्स वगैरह है, मतलब मॉकटेल वगैरह है, मॉकटेल्स भी है, सारे मिलते हैं मैम हमारे पास। ओके, सारे फ्लेवर अवेलेबल है हमारे पास। ओके ग्रेट, कोल्ड स्टोन करके है हमारी। ओके, मशीन शायद यहाँ पे किसी पे नहीं हो। तो ये लाइव चलता है आइसक्रीम से? बिल्कुल मैम, लाइव। ओके, तो यहाँ पे लाइव आइसक्रीम बनती है? यस, आप जरूर ट्राई करिए। मैं बता रही थी कि यहाँ पे एक ऐसी स्पेशल थाली है जो ये यहाँ पर बहुत हॉट सेलिंग है, तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी थाली है। तो आप बताएंगे ये कौन सी थाली है? यस मैम, हमारे यहाँ पे 3 तरह की थाली रखी गई है, जिसमे इकोनॉमी है, ओके, हंगर है, ओके, और डीलक्स थाली है। ओके, ये तीनों मटन की थाली हमारी सबसे ज्यादा बिकती है यहाँ पे, हमारा सबसे ज्यादा सेल है उसकी, और चिकन की और मटन की सबसे मोस्ट। ओके, थैंक यू। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे, इस जगह की वाइब जो है वो बहुत ही ट्रेंडी है, बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई कैफे में आए हो। तो गाइस हम आ चुके हैं इनके किचन में और देखते हैं इनके यहाँ पे क्या क्या रेडी है और हमको बताने वाले इनकी स्पेशल डिशेज के बारे में। आ जाइए। चिकन स्टू है, ये है इनका चिकन स्ट्यू, देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है, इसकी ग्रेवी टेक्सचर देखिए, ये ऑथेंटिक बिहार स्टाइल में बनाया हुआ है जी सर। ओके, मटन स्ट्यू है, ये है इनका मटन स्ट्यू। ये किस में तैयार होता है? सरसों के तेल में? जी सर, मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल में तैयार होता है। गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये ऑथेंटिक बिहारी लग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इनके पास वेज नहीं मिलता है, इनके पास वेज भी मिलता है। तो ये क्या कढ़ाई पनीर है, ये देखिए कढ़ाई पनीर है। ये है इनकी दाल तड़का, कौन सी दाल होती है ये? सर ये अरहर की दाल होती है। अरहर की दाल, ओके सर। ये कॉम्बो पैक देते हैं मील्स में, तो उसमें मिक्स वेज भी देते हैं। अच्छा, ये इनकी सब्जी है मिक्स वेज, ओके। तो गाइस हमें मिले यहाँ पे एक रेगुलर कस्टमर, तो चलिए जानते हैं उनसे कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। का नाम? अक्षत नाम है। अक्षत, आप कहाँ से हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो आप यहाँ पे रेगुलरली आते हो? हाँ, हर दिन। हर दिन आते हो आप? ओके, तो रेगुलरली आप यहाँ पे क्या ज्यादा आपको ऑर्डर करना पसंद है? मोस्टली मैं यहाँ पे चिकन पेरी पेरी, उधर लेग पीसेस हैं फ्राइड, वो अच्छा लगता है मेरे को। ओके, और यहाँ का मैंगो आइसक्रीम बेस्ट है। ओके बेस्ट है। तो आपको यहाँ का टेस्ट खाना कैसा, मतलब आप कितने रेटिंग दोगे अगर आपके हिसाब से आपको? आउट ऑफ 10? यस, आराम से 8.5। 8.5, वेरी नाइस। तो गाइज हमारा ऑर्डर आ चुका है, सारा खाना लग चुका है हमारे टेबल पे। ये है इनकी अचारी सोया चाप, ये है इनका पेरी पेरी चिकन फ्राई, एंड ये है इनकी मटन राइस वाली कॉम्बो थाली, एंड ये है इनकी चिकन इकोनॉमी थाली, जिसमें इसके साथ ये तवा रोटी भी आती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके अचारी सोया चाप से।
ये देखिए कितनी बड़ी चाप है और कितनी अच्छी है, मैरिनेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको करते हैं चटनी में डिप। थोड़ी स्पाइसी और साइड में है, थोड़ी तीखी लगेगी आपको और जबान पे आपके अचार का फ्लेवर आएगा, जैसे इसका नाम ही अचारी सोया चाप है। और जो इनकी चाप की क्वालिटी ये भी अच्छी लगी मुझे। तो अब बारी है इनकी पेरी पेरी चिकन फ्राई। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर से कितना जूसी लग रहा है चिकन और कितना फ्रेश है चिकन। देखते जो कस्टमर रिव्यू कर रहे थे, हम जिनसे रिव्यू ले रहे थे उन्होंने हमको बताया था कि आप ये मस्ट ऑर्डर करिए, तो हमने ये ऑर्डर किया है पेरी पेरी चिकन फ्राई। देखते हल्का सा चटनी लगाते हैं और ये लगाते हैं प्याज। बहुत ही अच्छा है, पेरी पेरी का आपको पूरा फ्लेवर आएगा इसमें। और चिकन बहुत अच्छे से कुक किया हुआ है इन्होंने, परफेक्टली कुक है। ये देखिए आप, चिकन परफेक्टली कुक है। वन ऑफ द बेस्ट चिकन फ्राई लगा मुझे ये पेरी पेरी वाला। मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था पेरी पेरी चिकन फ्राई, पहली बार खा रहा हूँ, लेकिन इतना मस्त फ्लेवर आया ना इसका। जो कस्टमर बता रहे थे मतलब वो सही रिव्यू दे रहे थे आपको। अब बारी है इनके मेन कोर्स की, जो कि इनका बिहार का ऑथेंटिक है। ट्राई करते हैं पहले इनकी तवा रोटी के साथ इनका चिकन चंपारण। थोड़ा सा चिकन का पीस लेता है, चिकन अच्छे से पका हुआ है अंदर से। और ग्रेवी थोड़ी अलग लग रही है, जैसे कि आप दिल्ली में खाते हो बटर चिकन की ग्रेवी या और किसी चीज़ की ग्रेवी अलग होती है। इसमें थोड़ा सा आपको प्याज दिख रहा होगा, देखिए क्लोज लुक लेंगे तो देखो प्याज अभी तक आपको दिख रहा है। तो बाइट लेते हैं हम। कुछ तो अलग लग रहा है, मैंने कभी बिहार का खाना ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ अलग है जो मैंने नहीं खाया। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें भी। मुझे इन्होंने प्याज को यूज़ किया ना, उसकी थोड़ी सी मिठास आ रही है और वो अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं है कि आपको मीठा लगेगा, लेकिन प्याज की मिठास आपको महसूस होगी इसमें। तो अब बारी है इनके मटन चंपारण स्टू की। ये देखिए मेरा फेवरेट पीस, चाप का पीस, कितना मस्त लगता है ये देखने में। ये देखिए ग्रेवी भी कितनी अच्छी है इसकी, ये देखिए कितनी थिक ग्रेवी है। चिकन की थोड़ी कंसिस्टेंसी पतली थी, लेकिन इसकी ग्रेवी देखिए कितनी मज़ेदार दिख रही है देखने में। तो अब इसकी भी एक बाइट लेते हैं हम। ये लेते हैं रोटी, यहाँ से तोड़ते हैं थोड़ा चाप का पीस। ये देखिए मटन कितने अच्छे से पका हुआ है अंदर से, और इसमें ग्रेवी में डिप करते हैं और ये करते हैं ट्राई। इसका भी फ्लेवर अलग ही लग रहा है, जैसे कि मैंने अभी तक नहीं खाया मुंबई में, शायद जहाँ भी मैं रहा हूँ वहाँ पे मुझे ऐसा मटन कभी नहीं खाने को मिला। तो जो ये बोल रहे हैं ना कि बिहार का ऑथेंटिक टेस्ट ये प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को, तो उसके साथ ये जस्टिस कर रहे हैं कि बिहार में लोग मटन ज़्यादा खाना प्रीफर करते हैं चिकन से ज़्यादा। तो अब मुझे रीज़न मालूम पड़ा कि उनके बनाने का स्टाइल जो होता है और सरसों के तेल में बनाया हुआ है, उसका भी एक फ्लेवर अलग सा ही आ रहा है दोनों चीज़ों में, चिकन में भी मटन में भी। तो अगर मुझे पूछोगे तो चिकन या मटन में से ज़्यादा बेटर कौन सा लगा, मुझे मटन ज़्यादा बेटर लगा। है टेस्टिंग की मेरी बारी, तो चलिए ट्राई करते हैं सबसे पहले अचारी चाप। सेम अचार का टेस्ट आ रहा है, मैं जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, बिल्कुल अचारी चाप है ये। अब मैं ट्राई करती हूँ पेरी पेरी चिकन फ्राई, चिकन पेरी पेरी फ्राई साथ में थोड़ी सी ग्रीन चटनी, और अब इस करते हैं टेस्ट। परफेक्ट स्टार्टर है ये, मतलब जैसे आप इसे खाओगे सबसे पहले, अगर आप चटनी के साथ इसे खा रहे हो आपकी जबान पे सबसे पहले चटनी का फ्रेश फ्लेवर आएगा, उसके बाद में इसके जो मसाले हैं इस पे लगाए हुए हैं
उसका बेहतरीन फ्लेवर आएगा, जिससे आपके मुंह का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद जब चिकन आप खाओगे, जो चिकन का फ्लेवर आता है, ओ माय, टार्टर्स खा के तो बहुत मजा आ गया। अब मेन कोर्स की बारी है, जल्दी से मैं ट्राई करती हूँ चिकन। तो ये इनका चंपारण चिकन, ये जैसे कि सूरज ने आपको पहले बताया कि ये बनता है प्योर सरसों के तेल में, एंड वहाँ पे सरसों के तेल में ही खाना बनता है बिहार में ज़्यादातर। हम तो रिफाइंड ऑयल में खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ पे सरसों के तेल में बनता है। और इनकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी, इसकी कंसिस्टेंसी पतली सी है, एंड सारे प्याज दिख रहे हैं। पहले मैं चिकन इसलिए ट्राई कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं पहले मटन ट्राई करूँगी तो चिकन का फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि मटन बहुत फ्लेवरफुल होता है जनरली। तो इसके लिए पहले मैं चिकन ट्राई करती हूँ, फिर मैं बढ़ूँगी मटन की ओर। तो चलो इसे ट्राई करते हैं, नींबू मार के खाएंगे। ये देख सकते हो, डाल दिया मैंने इसमें नींबू। और आई नो आपके मुँह में पानी आ रहा है ना, चलो बहुत ही बेहतरीन है इनका चिकन। टेस्ट इसका बहुत अलग है, कभी कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया। मतलब सरसों के तेल का जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, उसका टेस्ट आ रहा है। परफेक्टली कुक, और ग्रेवी के साथ तो ये चार चांद लगा रहा है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा राइस के साथ भी ट्राई करना चाहूँगी, जीरा राइस के साथ। परफेक्ट मील है ये, अगर आप अकेले आ रहे हो, परफेक्ट है आपके लिए, परफेक्ट। तो गाइज ये दूसरी जो थाली आप देख रहे हो, ये है मीट भात कॉम्बो वाली थाली, जिसमें आपको मिल रहा है ये मटन स्ट्यू, मटन स्ट्यू की ग्रेवी। मटन आप देख पा रहे हो, ये चाप का पीस है, ये और एक पीस है, और उसकी ग्रेवी की आप कंसिस्टेंसी देख लो, कितनी थिक है। और जैसे ही आप इसे देखोगे, आपको इसे खाने का मन करेगा। इतनी मतलब देखते ही इसकी शक्ल इतनी प्यारी है ना, कि आपको बस इसे प्यार हो जाएगा और आपको इसे खाने का मन करेगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसे रोटी के साथ ना खाते हुए इसे मैं ट्राई करूँगी राइस के साथ, क्योंकि जैसे कि बिहार में भी लोग ज़्यादा चावल के साथ मीट को खाना पसंद करते हैं, और मुझे भी जनरली चावल के साथ ही मटन ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए चावल के साथ खा के देखते हैं इसे। तो मैं थोड़ी सी लेती हूँ ग्रेवी और राइस, और मैं मटन का पीस बाद में खाऊंगी। बहुत टेस्टी है पहले तो ये बात। उसके बाद इसका जो फ्लेवर है बहुत यूनिक है, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ बिहार में भी मिलता होगा, हमने तो फर्स्ट टाइम खाया है ये। बाइट रोटी के साथ भी खा के देखती हूँ। तो ये तोड़ लेते हैं थोड़ा सा पीस मटन का, और साथ में लेते हैं थोड़ी सी ग्रेवी और हमारा नींबू, और अब इसे करते हैं। खो गई, सॉरी, जन्नत पहुंच गई हूं मैं। वाव, रोटी के साथ भी क्या टेस्ट आ रहा है यार, बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो गाइस, यहाँ पे आओ, अगर आपको बिहार का खाना टेस्ट करना है ना, मैं सीरियसली रेकमेंड करूँगी आपको, यहाँ पे आप एक बार आओ। लोकेशन तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिली गई है, ज़रूर आओ और इसे टेस्ट करो, बहुत कुछ अलग आपको टेस्ट करने मिलेगा। और ऑथेंटिसिटी तो आई थिंक 100% है यहाँ की, मुझे बहुत सही लगा यार, बहुत सही। तो गाइस अब ये रेडी हो रहा हमारा मोजीतो, इसमें डाल दिया ड्राई आइस, देख लो क्या धुआंधार मोजीतो हो रहा है ये। वाओ, क्या आपने कभी ऐसा मोजीतो ट्राई किया है? तो अभी बारी है मोजीतो की, थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए हमें मोजीतो की बहुत ज़रूरत है। और देख सकते हो कितना कलरफुल मोजीतो है, ये देख के दिल खुश हो जाता है और इतना सुकून मिल रहा है इसे देखकर। तो सोचिए
इसे पीने के बाद कितना सुकून मिलेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये है वाटरमेलन मोजीतो और ये है ब्लू लगून मोजीतो। आप इनकी प्रेजेंटेशन देख सकते हो, मतलब प्रेजेंटेशन देख के मतलब दिल पिघल जाएगा आपका, इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन है। आपको यहाँ पे मिंट लीव्स दिखेंगे, साथ ही में आपको यहाँ पर दिखेगा लेमन का एक स्लाइस लगाया हुआ है, और इतनी ब्यूटीफुल ड्राई आइस प्रेजेंटेशन मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। सबसे पहले ट्राई करी वाटरमेलन मोजीतो, जन्नत सीरियसली। और अब ट्राई करते हैं ब्लू लगून मोजीतो, वाओ। दोनों ही मोजीतोस बहुत ही रिफ्रेशिंग हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो खाने के साथ, ज़रूर एक मोजीतो मंगाइए आप, आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा और बहुत मज़ा आएगा आपको। अब बारी है डेजर्ट की, तो डेजर्ट में हम खाने वाले हैं इनका स्पेशल द कोल्ड स्टोन आइसक्रीम, जो कि इन्होंने मस्ट ट्राई लिखा हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करके देखे, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है फ्रूट एक्जॉटिका। तो चलिए देखते हैं अब इनकी कोल्ड स्टोन आइसक्रीम की मेकिंग। ये फ्रेश फ्रूट्स डाल रहे हैं शायद, यस ये है फ्रेश फ्रूट्स। तो अब हमारी आइसक्रीम की मेकिंग तो हो चुकी है, आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है, अब बारी होगी इसकी प्रेजेंटेशन की। ये देख सक रहे हो वेफर, एंड उसके ऊपर डाली गई है आइसक्रीम, स्प्रिंकल्स डाले इन्होंने, स्प्रिंकल्स, ये आ गए स्पून्स, और ये डाल रहे हैं कुछ ऊपर जेम्स, और ये रेडी है हमारी फ्रूट एक्सोटिका आइसक्रीम। वेट वेट वेट, असली ट्विस्ट अभी आएगा, ये देखिए कैसे प्रेजेंट होता है ये लास्ट में। क्या आपने कभी ऐसी प्रेजेंटेशन की आइसक्रीम देखी है? हमने तो ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ही देखा है, एंड इतना सही लग रहा है ये देखकर। मतलब जिनको आइसक्रीम अगर पसंद नहीं भी होगी उन्हें भी इससे प्यार हो जाएगा। तो गाइज आइसक्रीम की मेकिंग प्रेजेंटेशन तो आपने देख ली, अभी है बारी असली टेस्टिंग की। तो चलिए ट्राई करते हैं। एनिवर्सरी स्पेशल, तो गाइज मेरे एक्सप्रेशन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आइसक्रीम कितनी यमी है, ज़्यादा मीठी नहीं है बिल्कुल, और इतनी रिफ्रेशिंग है ना। इसमें असली फ्रूट्स डले हुए हैं जैसे कि आपने मेकिंग में देखा ही है, तो सोचिए इतनी रियल और ऑथेंटिक ये आइसक्रीम है। बहुत मज़ा आ गया यार, चार चांद लग गए खाने के बाद जब आइसक्रीम ऐसी मिल जाए, और क्या चाहिए। तो गाइज आपने देखा तो होगा कि आइसक्रीम की मेकिंग कितनी मज़ेदार थी, कितनी टेम्पटिंग थी, और मज़ा आ गया देख के, मेरा पेट भर गया था, लेकिन इसको टेस्ट करना भी ज़रूरी था। ये करते हैं हम टेस्ट। मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, ज़्यादा स्वीट नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, और जो उन्होंने फ्रूट्स डाले ना उसका अच्छे अच्छे फ्लेवर आ रहा है। वाह बहुत ही अच्छी है। अगर आप यहाँ पे आओगे मीट भात में तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि ये तो मस्ट ऑर्डर है, इनकी आइसक्रीम तो आप मस्ट ऑर्डर करिए, तो आपका दिल यहाँ से गार्डन गार्डन होके जाएगा यहाँ। तो गाइस सारा खाना हो चुका है ख़त्म, बहुत मज़ा आया आज यहाँ पर आकर। मतलब एक एक पेनी, मतलब एक एक रुपया जो आप यहाँ पे खर्च करोगे ना, आपको उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एंड इतना वर्थ है हर एक चीज़ यहाँ पर। जो भी हमने चीज़ खाई हमें इतनी वर्थ लगी, भले वो टेस्ट के हिसाब से हो, क्वालिटी हो, प्रेजेंटेशन हो, सारी चीज़ें हमें अव्वल लगी। बिहार का ऑथेंटिक खाना खाया, फिर बाद में इनकी यूनिक सी आइसक्रीम खाई, और मोजी तो भी इनका यूनिक था। तो मतलब आप जब भी यहाँ पर आओगे, चाहे बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी पार्टी हो, जैसे कि हमारी एनिवर्सरी आज, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ से सेटिस्फेक्शन होके जाओगे, और प्लस आपको टेस्ट इनका बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है, चाहे वो डेजर्ट हो या आप मॉकटेल्स ले लो या चाहे आप इनका मील ले लो, आपका दिल खुश होने वाला है यहाँ पर आकर। तो ज़रूर हमारी रिकमेंडेशन पर, अगर आप यहाँ पर हो, नज़दीक कोई एरिया में हो या दिल्ली में हो, तो
तो आप दिल्ली से कहीं कोई भी दिल्ली के कोने में आप जरूर यहाँ पर आइए, टेस्ट करिए, बिहार की टेस्ट लीजिए, यहाँ पर आकर आपको बहुत मजा आएगा। आई मीन यहाँ का 11 बजे तक ओपन रहता है इनके यहाँ पर रेस्टोरेंट इनका, और उसके बाद ये ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं, 2 बजे तक फूड डिलीवर करते हैं। जोमेटो है, स्विगी है, एंड पेटीएम पे मैजिक पिन है, एंड 4 ऑप्शन इन्होंने कुछ बताया मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे ऑप्शन आपको डाल दूंगा और सारी डिटेल्स डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर आइए और ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को करेंगे हमारे लाइक और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।